एक चीज और, अमूमन ऐसे त्योहारों में जो गड़बड़ियां होती हैं उसमें 3D बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 3D, एक डी से है दारू। दारू, अच्छे भले आदमी जब दारू पी लेता है तो वो शैतान हो जाता है। इसलिए कई धर्मों में शराब को हराम बताया गया है। अच्छा भला आदमी शराब पी ले वो तो गया, वो शैतान हो गया। इसलिए शराब की कहीं सूचना है या शराब पिया हो कोई व्यक्ति है तो उसको पुलिस के हवाले करिए। अगर झूम रहा है उसकी बात को तो बुरा भी मत मानिए, थोड़ा दिल को बड़ा रखिए। ये शराबी है, शराब पिया हुआ, क्या इसकी बात कर लेना। कई बार कमेंट कर देगा और धर्म पे कर देगा। उसको दिल बड़ा रख के थोड़ा माफ करिए और पुलिस के हवाले करिए उसको। दूसरा डी है डीजे। बताइए, धार्मिक आयोजन है लेकिन नए नए गाने, कौन बदनाम हुई कौन क्या, मतलब अब तो हमको नए नए पता नहीं है, जाने क्या क्या गाने बजाते रहते हैं। किसी को बुरा लग रहा है, कोई वहां बैठा हुआ है हार्ट का पेशेंट, इतना तेज बजाएंगे, इतने पर्वत खड़ा कर देते हैं डीजे का, लगता है कि बस अब यही दुनिया खत्म हो गई, हिमालय पर्वत यही है, चढ़ जाओ एवरेस्ट फतह हो गया। डीजे रूल्स रेगुलेशन है, यद्यपि अभी तक कोई पाबंदी के लिए नियम नहीं आया है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जहां भी हैं आप रोकिए टोकिए कि नहीं, आवाज थोड़ी कम रखिए, लिमिट में रहिए, दायरे में रहिए। तो डीजे भी बड़ा कारण बन सकता है, बहुत इरिटेशन होती है उससे। तीसरा डी है दबंगई। एक दूसरे से बड़े बनने के चक्कर में हम ही हम हैं, बस हम तो यहां शरीफ लोग हैं, वो आप निकलिएगा तो लगेगा वो इतना बुलेट चलाएगा फट फट, उसे पता नहीं क्या पटाखा सेट करता है वो, या खुली गाड़ियों में घूमेगा बिल्कुल, 3 लोग लहरा के चलेंगे। दबंगई की ये सब निशानियां आपको मिलेंगी, दबंगई पे भी हमको लगाम लगानी है। कहीं दबंगई हो रही है सूचना दीजिए, नहीं तो वीडियो बना लीजिए चुपके से, उसको सूचना दीजिए, उस दबंगई को कुचलना होगा, क्योंकि वो दबंगई बिस्की कली है, वो दबंगई विष की कली है, और वो विष की कली कभी बहुत बड़ा विस्फोटक बन सकती है। एकदम दबंगई को कुचलना है, चाहे किसी भी तल का हो, किसी भी बल का हो, किसी भी संगठन का हो। मेरे अंदर 1000 कमियां आप पाएंगे लेकिन भेदभाव नहीं पाएंगे, मैं सबके लिए बराबर हूं, मेरे लिए पैमाना एक है। हमारा पुलिस वाला भी गलती करेगा तो उसको भी उसी तरह से सजा मिलेगी, इसलिए आप भरोसा रखिएगा। भरोसा है, चैलेंजिंग त्योहार है, और हमने सुना है कि यहाँ 3 दिनों तक ये त्योहार चलता है, विभिन्न रूपों में चलता है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद ही किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कभी दर्ज हुआ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बहुत ही शरीफ, बहुत ही जहीन, भाईचारे के प्रेमी सब लोग बैठे हैं, लेकिन जो गड़बड़ी फैलाते हैं वो यहां नहीं। हम चाहेंगे कि ये संदेश जिन लोगों ने यहां पे दिया वो संदेश नीचे पहुंचे, और इसके लिए एक बार फिर से हमने धर्म गुरुओं की बैठक रखी है कल, वो हम अलग से उसको टेकअप करेंगे, लेकिन यहां से भी एक अच्छा मैसेज नीचे तक जाए। क्योंकि अभी आपने तो बता दिया कि फाल्गुन का महीना और शाबान का महीना, लेकिन अभी नए लड़कों से पूछो नहीं बता पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक जगह तो मैंने 5000 रुपए का इनाम रख दिया कि चलिए इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीने बताइए, एक से कहा कि नहीं हिंदू कैलेंडर के 12 महीने बताओ बेटा, 5000 का इनाम रखने के बाद भी नए लड़के नहीं बता पाए। यानी कि हम ज्यादा नहीं जानते हैं, कोई भ्रम फैला दिया, अफवाह फैला दिया, दौड़ लिए, अपना कान नहीं देखते हैं, कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का लपुलवाब है, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, अफवाहों की सूचना जरूर दीजिए,
अफवाहों में अपने आप को बर्बाद न करिए, अपने समाज को बर्बाद न करिए। आप जहां पे हैं वो इलाके का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए कि यहां होली के या शबे बारात के दौरान ये घटना हुई। आपके जिले का नाम बर्बाद नहीं होना चाहिए, बदनाम नहीं होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसे अभी एक परचम लहरा रहा है कि प्रयागराज में चुनाव बहुत सफल संपन्न हुए, शांतिपूर्ण, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, वहां आपका भी नाम हो रहा है कि प्रयागराजवासी कितने अच्छे। हम तो 4 महीने 6 महीने के लिए आते जाते रहेंगे, आप यहीं रहोगे। पूरी मेहनत कीजिए, शिद्दत के साथ, भाईचारे के साथ मेहनत करिए। ये आने वाला त्योहार, चाहे वो शबे बारात हो या होलिका दहन होली का त्योहार हो, बहुत गुजिया की मिठास के साथ बहुत प्यार से सक्षम संपन्न हो। और आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं ड्यूटी लगाने में, पुलिस की कार्य प्रणाली में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये भी विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, दल का हो, बल का हो, संगठन का हो। आपको एक पैमाना मिलेगा, एक तराजू मिलेगा।